हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सवाल संडे। तो इस वीक मुझे डिस्कस करने थे क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम योर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सीमा। हाय सीमा, सर व्हाइल कैलकुलेटिंग आरएफए सैलरी इफ कंपनी गिव्स आरएफए फैसिलिटी फ्रॉम मिड ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके, एंड देयर इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस पेड फॉर द होल ईयर, ठीक है। In this case, while calculating RFA salary, do I need to take children education allowance and hospital allowance for that RFA period only, like basic salary and DA? Okay. The question is coming from the chapter salary. Rent-free accommodation के लिए perquisite value जब हम निकालते हैं, तो हमें कितने period के components लेने चाहिए RFA salary को देखते हुए? तो there is a thumb rule. जितना पीरियड की फैसिलिटी है, जितना पीरियड का परक्यूजेट है, आपको सभी कंपोनेंट्स उसी पीरियड के लेने हैं। तो जैसे आप बेसिक सैलरी डीए उसी पीरियड का लेते हैं, तो बाकी के अलाउंसेस भी उसी पीरियड के लेंगे। लेट्स से फॉर प्रीवियस ईयर 1920 है और आपको पूरे साल आरएफए नहीं मिला है, मान लेता हूं मैं लास्ट के तीन महीने ही मिला, जनवरी 20 से लेकर मार्च 20 तक, तो जब आप आरएफए की वैल्यू निकालेंगे, टैक्सेबल परक्यूजेट करने के लिए निकालेंगे, तो आरएफए सैलरी लेनी है उसी तीन पीरियड के, उसी तीन महीने के कंपोनेंट्स, जनवरी 20, फरवरी 20 और मार्च 20। सो टू आंसर योर क्वेश्चन सीमा, कि आप जितना पीरियड की फैसिलिटी है, सभी कंपोनेंट्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, उसी पीरियड के लीजिए सभी कंपोनेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम निशांत। हाय निशांत, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, but there are some debentures which are redeemed at more than face value. Sir, we have to index that debentures or not? Okay. Capital gain ka question hai aur aapko pata hai ki kuch cheeze ki long term hone ke baad bhi indexation nahi hoti, jisme se hote hain debentures aur bonds, theek hai? To debentures aur bonds ki aap indexation nahi karte ho, sirf do bonds hain, sovereign gold bonds aur capital index bonds, un do bonds ki to indexation hoti hai, baki kisi bhi डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। तो निशांत, चाहे वो डिबेंचर्स रिडीम्ड हो फेस वैल्यू पर या फेस वैल्यू से ज्यादा पर, आप इंडेक्सेशन उसकी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कुणाल। हाय कुणाल, विच ईयर डीएनएस अलाउंस इज टू बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग पेंशन? ओके, डीएनएस अलाउंस की क्या जरूरत है पेंशन? ओके, कुणाल का क्वेश्चन है कि कौन से साल का डीएनएस अलाउंस लिया जाता है। बट कुणाल, हम पेंशन कैलकुलेट करते समय, जब हम पेंशन को टैक्सेबल करते हैं, तो हम डीएनएस अलाउंस या बाकी के अलाउंसेस नहीं देखते। अच्छा, आपको पता है कि पेंशन ना दो तरह की होती है, एक तो होती है रेगुलर पेंशन, जिसको हम अनकम्यूटेड बोलते हैं। रेगुलर पेंशन इज फुली टैक्सेबल, उसको पूरा टैक्सेबल कीजिए। और जो कम्यूटेड पेंशन है, जो लमसम पेंशन होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके लिए तो पूरी एग्जम्प्ट हो जाती है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है 1/2, 1/3 करके, वो डिपेंड करता है उनको ग्रेटुटी मिलती है नहीं मिलती है। बट कहीं भी आप ये ना डीएनएस अलाउंस रोल प्ले नहीं करता है। तो कुणाल, डीएनएस अलाउंस के बारे में तो कुछ कनेक्शन नहीं है पेंशन का, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम देबशीष। हाय देबशीष, सर वन पर्सन हैज अ हाउस बिल्डिंग एट कोलकाता विद 3 फ्लोर, ठीक है, इन द ग्राउंड फ्लोर ही रन्स हिज ओन बिजनेस, ओके, ग्राउंड फ्लोर पर बिजनेस है, फर्स्ट फ्लोर यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर उसका अपना घर है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, एंड द सेकंड फ्लोर ही लेट आउट टू समवन फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 6500, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर ही पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 5000, व्हाट इज द टैक्स इंप्लिकेशन? ओके, एक घर है, तीन अलग अलग यूनिट्स है, ये आप जानते हैं होंगे, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके मल्टीपल यूज कर रहे हो आप अलग अलग यूनिट्स का, तो सभी को आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हो। तो जो आपका हाउस प्रॉपर्टी, जो आपका ग्राउंड फ्लोर है जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो म्युनिसिपल टैक्स है, तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन है देवाशीष का कि म्युनिसिपल टैक्स की क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी। तो 5000 आपने पूरे घर के पे करे, तीनों फ्लोर के अलग अलग कर लीजिए, डिवाइड बाई 3 करके, आई सपोज 1333 आएगा। तो जो ग्राउंड फ्लोर का है बिजनेस पर्पज के लिए, उसको तो आप अलाउ कीजिए एज अ बिजनेस एक्सपेंस, सेक्शन 30 में वो अलाउ जाएगा। जो आपका फर्स्ट फ्लोर का है ओन रेसिडेंस के लिए, उसको आप अलाउ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसकी आप एनएवी जीरो लेते हो, एनएवी नेट असेट वैल्यू ही जीरो लेते हो, उसको जीएवी से शुरू ही नहीं करते आप, तो आपकी एनएवी जीरो हो जाती है, तो वहां के तो म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ ही नहीं हो पाएंगे, और
जो आपका सेकेंड फ्लोर है जो आपने रेंट पर दिया गया है उसके लिए आप अलाउ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते समय। तो टू सम अप, जो 5,000 का आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं जो आपके बिजनेस रिलेटेड हैं उसको आप बिजनेस एक्सपेंस मानिए, जो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के हैं वो आप अलाउ होते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर NAV से शुरुआत होती है, NAV nil होती है, और जो आपके लेट आउट पोर्शन के हैं वो आपके अलाउ हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय। ठीक है, डिवाइड बाई 3 कर लीजिएगा हाउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम निशांत। हाय निशांत सर, यू हैव टोल्ड दैट इफ लास्ट में पेरेंट्स जिंदा हैं एंड प्रॉपर्टी बिकती है तो कैपिटल गेन पेरेंट्स के हाथों में आएगा। ओके, ये ना रिवर्स मॉर्गेज का क्वेश्चन है, और अगर लीगल एयर के हाथों में आएगा बट फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई और कोई लीगल एयर नहीं है तो किसके हाथों में। ओके, तो क्वेश्चन इज अबाउट रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है कि आपको याद होगा अगर कैपिटल गेन की अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो वहां पर मैंने रिवर्स मॉर्गेज में बताया था कि कुछ लोगों के पास अपना प्रॉपर्टी है बट उनके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक के पास जाते हैं कि वो कहते हैं कि बैंक ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको आप मॉर्गेज कर लीजिए और इसके अगेंस्ट हमें पैसे दे दीजिए। ठीक है, और बाद में जब हमारी डेथ हो जाएगी आप ये प्रॉपर्टी लेके जा सकते हैं, आप इसको बेच के अपना पैसा रिकवर करिएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। आई सपोज ये आपको आता है, आपने वाली वीडियोस कैपिटल गेन की देख ली होंगी। ओके, अब जब पेरेंट्स ने बैंक को दी प्रॉपर्टी मतलब मॉर्गेज कराई तो दैट इज नॉट इनकम, वो तो सिर्फ आपने लोन लिया है। बाद में अगर बैंक रिकवर करने के लिए ये प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ओनर कौन थे? पेरेंट्स, तो उनके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके बाद बेचता है तो लीगल एयर उसके ओनर हो जाते हैं, तो लीगल एयर के हाथों में वो टैक्सेबल हो जाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी बिकी, जो पैसे आए बैंक अपने लोन के रख लेता है विद इंटरेस्ट, और बाकी के पैसे वो दे देता है लीगल एयर्स को, बट लीगल एयर्स के हाथों में कैपिटल गेन टैक्स होगा। निशांत का एक अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सर पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, लीगल एयर भी नहीं है, तो फिर किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? फिर तो देखो ओनर को तो कभी पैसे मिले ही नहीं ना, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होता है। और यहाँ पर कैपिटल गेन किसके हाथों में आएगा इसके बारे में इनकम टैक्स भी साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है, तो यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, बैंक के हाथों में नहीं आ सकता बिकॉज बैंक इज नॉट द ओनर, बैंक ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पर टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, लीगल एयर भी नहीं है, तो फिर बैंक के हाथों में तो ये टैक्सेबल होता नहीं और बाकी किसी और के हाथों में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम निखिल। व्हेन अ सेट ऑफ 35 AD इज सोल्ड देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 और 41। ओके, 35 AD PGB का क्वेश्चन है, 35 AD होता है स्पेसिफाइड बिजनेस, तो वो 13-14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जिनके लिए आप 100% डिडक्शन ले लेते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी तो मशीन के ऊपर 100% डिडक्शन मिल जाती है और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और जब कभी भी ये असेट बेचते हो तो आपकी बिजनेस इनकम होती है, तो आपको पता है बिजनेस इनकम सेक्शन 28 में भी होती है और एक 41 होता है डीम बिजनेस इनकम का। निखिल ने शायद ये क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा क्योंकि वहां पर आपको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट भी जब बेचते हो तो बिजनेस इनकम आती है और वो 41 में टैक्सेबल होती है। बट निखिल एक्चुअली 35 AD जब ये सेक्शन आया था उसी समय सेक्शन 28 में भी अमेंडमेंट हुई थी और ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि अगर 35 AD वाले एसेट्स को सेल आउट करते हो तो इनकम स्पेसिफिकली सेक्शन 28 में ही टैक्सेबल होगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये 28 में आएगा ना कि 41 में, क्योंकि स्पेसिफिकली mentioned है and we know the specific provisions will always prevail over general, specifically 28 में ही आएगा। ठीक है, next question is coming from Kunal। Hi Kunal sir, क्या prime minister की भी salary, अच्छा prime minister मोदी जी की salary under section 15 exempt होती है क्या? 15 कौन सा exemption का section है क्या? Okay, कुणाल प्राइम मिनिस्टर की सैलरी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, अच्छा पहले तो मैं बता दूं 15 में कोई एग्जम्पशन का सेक्शन नहीं है, 15 तो बल्कि चार्जिंग सेक्शन है क्या सैलरी का, और वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो तो वो टैक्सेबल कर देता है। ठीक है, हाँ ओके, अब ये प्राइम मिनिस्टर MPs MLAs इनकी सैलरी जो मिलती है वो टैक्सेबल होती है अंडर IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता नहीं है। एग्जेम्प्ट यहाँ पर शायद कुणाल इसलिए पूछ रहा है बट क्योंकि मेजरली इनको नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स मिलते हैं और वो मेजरली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 में। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है सेक्शन 10 17 में, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो हाँ, जो इनके अलाउंसेज एग्जेम्प्ट हैं या जो परक्यूजिट्स एग्जेम्प्ट हैं वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट सैलरी इनकी टैक्सेबल होगी एज IFOS। ठीक है कुणाल,
So these are some questions which I need to discuss in this week. Next week मैं questions लूँगा, आप पांचों head में से किसी भी head के questions पूछ सकते हैं. Even अगर residential status या deductions के भी questions पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ लीजिएगा. अच्छा, कुछ general questions हैं. कुछ काफ़ी students के मेरे पास ये question आया कि सर आपने जो videos डाली हुई हैं capital gain की, तो आपने यहाँ पर 2020 examinations के लिए थी, बट PGBP की पुरानी videos हैं नवंबर और दिसंबर, मतलब 2019 के examinations के लिए थी वो. तो सर क्या अमेंडमेंट आ गई है? हाँ जी बिल्कुल, अमेंडमेंट आ गई है, क्योंकि अब तो 2020 आ ही गया है दो दिन के बाद, तो अमेंडमेंट आ गई है. तो क्या वो वीडियोस सर हम यूज कर सकते हैं? ओके, वो वीडियोस आप यूज तो कर सकते हो, बट देर आर सम अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट्स हैं. अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो अमेंडमेंट्स की अलग से वीडियो डाल दूँ, मे बी कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अमेंडमेंट्स की, बीजीबीपी में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो वो आपको अमेंडमेंट मिल जाएगी. ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आया था, मतलब कैपिटल गेन के पार्ट 31 तक मैंने सारे पोस्ट कर दिए, पूरा कैपिटल गेन वहाँ पर कवर हो गया है, एंड आई एम गेटिंग अ ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स फॉर दैट. मुझे काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं उससे. ठीक है, वो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए सर टेक्स्ट बहुत अच्छा लगने लगा है, और भी बहुत सारे मैसेजेस, बट कुछ बच्चों के कुछ कंस्ट्रक्टिव मैसेज भी आए. ठीक है, तो आई एम मोर कंसर्न विद वो कंस्ट्रक्टिव मैसेजेस, कुछ फीडबैक. तो कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे, सर ये इतने सारे पार्ट्स हैं कैपिटल गेन के, सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा करने के लिए, ये कैसे करें? ओके, हाँ बेटा टाइम तो लगेगा, आई डू एग्री टाइम लगेगा. दूसरी बात, देखिए हमारा कोर्स ही ऐसा है कि हमें काफ़ी सिलेबस है और हमें उस सिलेबस को मैनेज करना पड़ता है. तो ये जो कैपिटल गेन के लेक्चर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पेन ड्राइव के ही मैंने उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया था, एंड दीज आर डिटेल्ड लेक्चर्स, ये काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं. अगर आप देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो यू शुड डू डिटेल्ड स्टडी, आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दूँ, बिकॉज दीज क्लासेज आर नॉट स्लो, वो बिल्कुल एक सही पेस पर थी और मैंने वहाँ पर सारी एक एक चीज़ कवर करी है फॉर ऑल योर कोर्सेज, चाहे आप सी ए के हैं, स्टूडेंट सी एस के हैं या सी एम ए के हैं, तो दैट टू आर वेरी डिटेल्ड, और वहाँ पर हमने साथ साथ इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है. बट येस, एक बार आपको फर्स्ट टाइम तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज आप ऐसे कोर्स में हैं कि जब आप कोई एकेडमिक कोर्स नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, और अब इंस्टीट्यूट की अब आप देख रहे हैं कि अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट पेपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल आने लगा है. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी भी करा सकता था, बट मैंने वहाँ पर थोड़ा टाइम लगाया है. उसको होता क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, नुकसान क्या है इसका? नुकसान तो यह है कि हमारा सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट फ़ायदा इसका लाइफ लॉन्ग है. फ़ायदा आपको इसको इतना ज़्यादा मिलता है क्योंकि फर्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता, वो आपको कितने दिन याद रहता? जनरली आप उस समय तो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाता, बट आप एक वीक के बाद ही उसको भूल जाते. अब फिर आपको दोबारा से रिवाइज करने के लिए भी फिर उतना ही टाइम लगता. बट वो जो क्लासेस हैं, ठीक है, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे. और सिर्फ वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, हम लोगों ने पढ़ने के साथ साथ हमने वहाँ पर सॉल्यूशंस भी करे थे, मैंने आपको इलस्ट्रेशंस भी दी थी, सारी चीज़ें हमने साथ साथ सॉल्व करी थी. तो उस तरीके से करने से आपको वो पूरा फिक्स हो जाता है. मतलब मुझे काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मुझसे मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि सर हमें वो सेक्शन ना आराम से रट गए हैं टिप्स पे, तो इसलिए फ़ायदा होता है. तो फर्स्ट टाइम आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप डिटेल में पढ़ें. जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आप रिवीजन करेंगे तो वो बहुत क्विकली हो जाता है. आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम स्ट्राइक हो जाते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े थे. तो दिस इज द वे द प्रोफेशनल कोर्सेज शुड वर्क. ठीक है, तो और हाँ, वैसे तो आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपके पास यूट्यूब में आप देख रहे हैं या पेन ड्राइव में देख रहे हैं, दोनों पे ही अवेलेबल है. आप उसको थोड़ा सा फास्ट कर करके देख लीजिए, मतलब इनकेस अगर आप डबल स्पीड में देखना चाहें, डबल स्पीड
मैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वैसे जो ज़्यादातर डबल स्पीड में देखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा वहाँ पर आधा हो गया लेक्चर। बट आई वुड रिकमेंड कि आप 1.5 तक की स्पीड तक में जा सकते हैं, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि आपको ऐसा लगता है क्या, बट सबने कहा सर बिल्कुल सही है। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी स्पीड में देखते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा सर हम 1.5 1.6 करके देख लेते हैं स्पीड में, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा नहीं सर हम यूजुअल स्पीड पर ही देखते हैं, ठीक है, वो यूजुअल स्पीड पर देखते हैं जिससे कि हमें बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो ठीक है, तो बाकी तो सबके ओपिनियन है वो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, आप लोग मुझे क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा, आई विल आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।